वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। आने वाले 2 महीने में आम चुनाव है, ऐसे में आम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि इस बार का बजट लोक लुभावन होगा, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। 58 मिनट के भाषण में वित्त मंत्री की ओर से ना कोई बड़ी राहत दी गई और ना ही कोई बोझ डाला गया। यानी अंतरिम बजट में बड़े ऐलान से सरकार की ओर से परहेज किया गया है। हालांकि इस बजट से अगर किसी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो टैक्स पेयर्स को थी, लेकिन इस बार करदाताओं को कोई राहत नहीं दी गई। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है, पूरे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, अभी 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल बढ़ाई गई है। इससे पहले साल 2020 में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स रिबेट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया था। साथ ही टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई थी, लेकिन इस बार आयकर दाताओं को कोई राहत नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।